गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर स्नेहा मिस। दिस इज़ योर मैथ्स बुक एक्शन इन मैथमेटिक्स। चलिए अब हम लोग इसका कंटेंट देखते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर, ठीक है, जिसमें आपको फोर डिजिट नंबर, काउंटिंग इन थाउजेंड, फॉर्मिंग फोर डिजिट नंबर ऑन द एबेकस, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, कंपेयरिंग नंबर, ऑर्डरिंग नंबर, फॉर्मिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है वो है रिकैप एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें आप यहाँ देख रहे हो कि ये किसका बॉक्स, ये किस चीज़ का बॉक्स है, तो ये 100 का बॉक्स है, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम 100 का ही है। इसके बाद आप देख रहे हो ये टेंस का है, ठीक है, और फिर जो ये वन वन छोटा छोटा देख रहे हो ये वंस का है, ठीक है। तो 100 का कितना बॉक्स है, 2, तो 200 होगा, और ये 1 है तो 10, 210 और 2 क्या हो जाएगा, 212, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो 300 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और यहाँ 4, 324, ठीक है। इसी तरीके से आपको काउंट करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द नंबर नेम्स। राइट द नंबर नेम्स मीन्स राइट इन वर्ड्स। तो क्या है यहाँ, 684, तो यहाँ आपको लिखना है 684, ठीक है। उसी तरीके से इन सबको भी करना है। राइट इन फिगर्स, राइट इन फिगर्स मतलब नंबर में लिखना है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो 986, यहाँ 100 तक प्लेस दिया गया है, वंस टेंस 100, 100 के प्लेस पे क्या था, 9, ठीक है। 86 को हम लोग साथ में लिखते हैं टेंस और वंस के प्लेस पे, तो यहाँ 86 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो जिसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख रहे हो द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है, 99। द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100। द नंबर वन मोर देन 536 इज, 536 से वन ज़्यादा नंबर क्या होता है, 537। 100 इक्वल टू 10 टेंस, 100 किसके बराबर होता है, 10 टेंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स विस्तार से लिखना है नंबर को, किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं उस हम लोग को उसको सम के थ्रू लिखना है, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो क्या था, 483, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम लिखते हैं बट इसको थोड़े से डिटेल में लिखते हैं। जैसे 400 प्लस 80, मतलब 400 में 80 ऐड किया तो क्या बन गया, 480 प्लस 3, और 480 में 3 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 483, ठीक है। उसी तरीके से इस सब को भी आपको इन बनाना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। नेक्स्ट आप देख रहे हो जिसमें राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, जिसमें हम लोग जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहता है उसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं, या फिर जिस डिजिट के लिए जो प्लेस इंडिकेट किया जाता है उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि लिए जैसा आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 500 है तो ये 100 के प्लेस पे 5 लिखा गया है, यहाँ 3 टेंस के प्लेस पे तो यहाँ 3 टेंस के प्लेस पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ 7 वंस के प्लेस पे है तो इसी तरीके से लिखा गया, और अगर आप ऐड भी करोगे तो 500 प्लस 30, 530 और 7, 537। उसी तरीके से इसको भी करना है आपको। नेक्स्ट आप देख रहे हो पुट साइन है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि बड़े से बड़े और छोटे नंबर को हम कंपेयर करते हैं, जिस साइड नंबर बड़ा होता है, मोर देन होता है, उस साइड हम लोग साइन लगा देते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट में 101 और 110 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 110 बड़ा है, इसलिए साइन किसकी तरफ है, 110 की तरफ। उसी तरीके से इन सब को भी आपको कंप्लीट करना है। अगर एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं
तो ये सेवन टेंस क्या होता है? सेवन टेंस इक्वल होता है 70 के, ठीक है, और 72 वंस होता है किसके? 72 के, ठीक है। तो 72 और 70 में बड़ा कौन हुआ? 72। साइन किसकी तरफ जाएगा? 72 की तरफ। उसी तरीके से इसको चेंज करना है आपको नंबर में, देन कंपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आप जानते हो कि नंबर्स को इसमें हम लोग छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या लिखा गया, 123, 214, 363, 412, 598। यहाँ नंबर को छोटे से बड़े के रूप में लिखा गया है, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों को भी आपको करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हो जिसमें है अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? इसमें हम लोग नंबर्स को बड़े से छोटे के रूप में लिखते हैं, मतलब डिक्रीज करते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 937, 564, 428, 392, 216। यहाँ नंबर एक के बाद कम होता गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सबको भी आपको करना है। रिकैप एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्किप काउंटिंग 2s। यहाँ पे आपको 2 काउंट करके नंबर्स आगे का लिखना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 24 है, 24 के बाद 2 अगर आप काउंट करते हो तो 25 और 26 आता है। तो 26 के बाद आप 2 काउंट करोगे तो 27, 28, तो यह 28 लिखा गया। उसी तरीके से 29, 30, 31, 32, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33, 34, यहाँ पे 35, 36 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्किप काउंटिंग बाई फाइव्स। यहाँ पे आपको 5 बढ़ाना है, जैसे कि 100, यहाँ पे आप देख रहे हो 95 के में 5 ऐड किए तो 100 हो गया, 100 में 5 ऐड किए तो 105 हो गया। उसी तरीके से इसमें 5 ऐड करेंगे तो 110, 115, 120, 125। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग 10s। इसमें 10 काउंट करके लिखना है, ठीक है। जैसे 20 के बाद 310 है, 320, 320 के बाद 330, 340, 350, 360, 370, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपको 4 डिजिट के नंबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 1000 तक होता है, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा जो 100 तक होता था, अब यहाँ जो पढ़ोगे उसमें 1000 तक का नंबर आता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये आपका किस चीज़ का बॉक्स है? 1000 का, ठीक है। और ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये किस चीज़ का बॉक्स है, 100 का ना। तो 1, 2, 3 है ना, तो 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। प्लस ये किस चीज़ का बॉक्स था, टेंस का, तो ये 10 तो हो गया क्योंकि ये एक ही है, और यहाँ वंस का। आप इसी तरीके से काउंट कर सकते हो, 1000 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 1300 प्लस 10, 1310 और प्लस 1 1311, तो आप यहाँ 1311 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। जिस तरीके से आप लोग 3 डिजिट का नंबर लिखते थे उसी तरीके से यहाँ 4 डिजिट का नंबर लिखना है। इसमें आप देख रहे हो राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग 1, 2, 3, 6। यहाँ प्लेस भी दे दिया गया है, 1, 10, 100, 1000। मैंने आपको बताया 4 डिजिट के नंबर में 1000 आ जाता है। तो अब हम लोग नंबर राइट कैसे करेंगे, तो 1236, क्योंकि 1000 के प्लेस पे था तो इसलिए 1200 के प्लेस पे, और मैंने बताया कि टेंस और वंस को साथ में लिखते हैं इसलिए 36, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से 4632, 1, 10, 100, 1000, 4632। अब नेक्स्ट है हमारा राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे न्यूमरल्स मतलब नंबर में लिखना है, जिसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ 2311, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2000 के लिए 2000, 300 के लिए 300 प्लस 11, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड किया हम लोगों ने तो ये बना 2300 प्लस यहाँ से 11 आया, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो क्या बना, 2311।
ठीक है। और एक और तरीका है यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने यहाँ ऐड करके शो किया है, 2311, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से आप देख सकते हो, 9000 के लिए 9000, 200 के लिए 200, और फिर इन दोनों को ऐड किया गया, ये क्या बन गया, 9200, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इन सब का नंबर नेम लिखना है जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके लिए। फर्स्ट है आपका द ईयर यू वेयर बॉर्न, वो ईयर लिखना है जिस ईयर में आप जन्म लिए थे, ठीक है, मतलब बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट है आपका योर फादर्स कार या स्कूटर नंबर, आपके फादर के पास जो भी है, कार है या फिर स्कूटर है, उसका यहाँ आपको नंबर लिखना है। लेकिन याद रखना है कि हम लोग को नंबर नेम लिखना है, मतलब राइट इन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। द करेंट ईयर, आपका करेंट ईयर क्या है अभी, 2020, तो यहाँ आपको 2020 लिखना है वर्ड्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हो, रीड द बैकस एंड राइट द न्यूमरल्स। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, अबैकस में बीट्स देख रहे हो, उसको काउंट करके यहाँ नंबर लिखना है। जैसे यहाँ आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीट्स है ना, तो यहाँ 7 लिखेंगे। यहाँ पे 3 है ना, 3 लिखेंगे, 1 या 4, इसी तरीके से इन सब में भी काउंट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, सो द फॉलोइंग नंबर ऑन द अबैकस। यहाँ पे आपको अबैकस में नंबर शो करना है। जैसे यहाँ 4000 है, तो हम लोग 1000 के प्लेस पे जाएंगे और 4 बीट्स बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर 100 के प्लेस पे कितने, 1, ठीक है। देन 3 है, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई टेंस के प्लेस के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग टेंस के प्लेस में नहीं लगाएंगे। और 3, तो 3 वंस के प्लेस पे आता है, तो यहाँ 3 बीट्स बना देंगे। उसी तरीके से इन दोनों को भी आपको करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिल इन द मिसिंग नंबर होगा, और काउंटिंग बाय 5, राइट द नंबर फ्रॉम 1316 to 1361, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।